नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता सहनी कुकिंग चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं परवर की सब्ज़ी, बहुत बढ़िया टेस्टी। तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरा वीडियो पसंद आती है आप लोग के, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए इसको हम काट लेते हैं। परवर हमने ले लिए हैं आधा किलो के करीब में, तो इसको काट लेते हैं। परवर को काटते हैं, एक लेते हैं, इधर से पार्ट हटा लेते हैं, इधर से भी हटा लेते हैं, इसको भी से कट लगा लेते हैं। इतना पर लगाएंगे कट। बहुत टेस्टी लगता है परवल की सब्ज़ी, ज़रूर एक बार बनाकर खाइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही पूरे काट लेते हैं, पूरा परवर काट लिए। इसको देखिए, इधर से बीस से कट लगाए हैं, आधा इधर बाकी है। तो हम इसमें और चीज़ देख, हमने आलू तीन काट लिए हैं पीसस में, ऐसा वाला पीसस में काट के लिए हैं। आलू भी परवर के सब्ज़ी में डालकर बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको साइड में रखते हैं। प्याज, दो प्याज हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, अदरक लहसुन भी बारीक चॉप कर लिए हैं, यही पड़ता है परवर के सब्ज़ी में। टमाटर वगैरह डालेंगे तो अच्छा नहीं उतना बनता है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई रख लिए हैं, चूल्हे पर बना रहे हैं हम। अब इसमें तेल डाल लेते हैं, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तेल डाल लेते हैं दो तीन चम्मच के करीब। अच्छे से थोड़ा गर्म होने देते हैं, तेल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो परवर है हमारा काट के रखे हैं, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से इसको पूरा सुनहरा होने तक भूनेंगे बढ़िया से। बहुत टेस्टी सब्जी लगता है जो इसका परवर की सब्जी है, बहुत अच्छा लगता है, बना कर एक बार जरूर खाइएगा। अब इसमें हम बढ़िया सुनहरा हो चुका है, अब इसमें आधा बड़ा चम्मच नमक डाल लेते हैं। नमक ये डालते हैं कि जो परवर है उसमें पूरा नमक अच्छे से अंदर तक चला जाए। इसको डालकर अच्छे से चलाते हैं बढ़िया से। थोड़ा इसमें हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, डालकर चलाते हैं कि जो परवर के कलर है बढ़िया रहे। इसको चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जितना इसमें के परवर में के पानी है उतना सारा पानी इसको सूख जाए। नहीं तो परवर की सब्जी बनाओ जैसा पानी जैसे पच पच पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसे पूरा भूनते हैं, बढ़िया सुनहरा ये भून चुका है। ये देखिए, दिखा देते हैं पास से आपको, अच्छा भून चुका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, निकाल लेते हैं इसमें बर्तन में। तो ये देखिए भून कर निकाल लिए हैं, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा। कढ़ाई में तेल फिर से डाल लेते हैं दो तीन चम्मच के करीब, डाल लिए। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं, तेल गर्म हो चुका है हल्का। इसमें तेज पत्ता दो डाल लेते हैं और जीरा डाल लेते हैं आधा चम्मच। अच्छे से इसको छटकने देते हैं। मेथी दाना भी डाल लेते हैं आधा चम्मच, और बढ़िया से चटकने देते हैं इसको भी। बढ़िया सुनहरा चटक चुका है। अब इसमें अदरक और लहसुन जो दरदरा कूट के रखे हैं वो हम डाल लेते हैं। इसको चलाते हैं। प्याज भी है, इसको भी डाल लेते हैं।
इसको भी सुनहरा होने देते हैं। इसको बढ़िया गुलाबी सुनहरा प्याज भी हो गया है, जो आलू है इसको भी हम डालकर इसको अच्छे से इसमें भूनते हैं। बढ़िया से अच्छे से भी आलू भी भून गया है, देखिए नीचे तेल छोड़ दिया है पूरा। अब इसमें हम फटाफट नमक आधा चम्मच डालते हैं, क्योंकि आधा चम्मच नमक हम परोर में पहले ही डाल चुके हैं। इसको डाल लेते हैं, हल्दी पाउडर भी आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, आधा चम्मच और डालेंगे डेढ़ चम्मच, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, बढ़िया से भून लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से भून लिए मसाला को भी। अब इसमें हम एक कप पानी डाल लेते हैं, एक कप से थोड़ा कम डालेंगे, बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम जो परवल भून के रखे हैं इसको हम इसमें डाल लेते हैं, डालकर इसको बढ़िया से चला लेते हैं ऊपर नीचे। सब बनाएंगे आप परवल की सब्जी तो बोलेंगे कि रोज रोज बनाकर खाएं हम। अच्छे से परवल को मिला लिए, अब हम इसको थोड़ा ढक देते हैं, ढक कर पूरा तेज आंच पर पकाते हैं दो चार मिनट के लिए, कि जो आलू है हमारा पक जाए, परवल भी पूरा सॉफ्ट हो जाए बढ़िया से। दो चार मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हो गया हमारा परवल की सब्जी। इसको चला लेते हैं और अच्छे से थोड़ा थोड़ा खुल्ला में ऐसा ही भून लेंगे, ढकेंगे नहीं। चलाते हुए भूनते हैं थोड़ा। तो ये लीजिए हमारा परवल के पूरा सब्जी तैयार है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं, हम काट के दिखा देते हैं आपको। तो इसको नीचे ले लिए हैं, प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। एक प्लेट लिए हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं परवल सब्जी अपना। तो ये देखिए इतना बढ़िया, इतना टेस्टी, पूरा निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा पूरा परवल की सब्जी, देखिए कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर बनाकर एक बार खाइएगा ये रेसिपी। तो दिखा देते हैं और पास से आप लोग के। तो ये लीजिए पास से दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। जितना अच्छा दिखने में दिख रहा है उतना ही लाजवाब टेस्टी ये परवल की सब्जी लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो देखिए नज़दीक से दिखा देते हैं पूरा। अगर दोस्तों मेरा ये जो परवल के सब्जी वाला रेसिपी है आप लोग के अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा कि सबसे पहले हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के मोबाइल में नोटिफिकेशन जा पाए कि आप लोग मेरा वीडियो देख पाए। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट जरूर करिएगा कि जो ये हमारा परवल वाला सब्जी की रेसिपी है आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।